सवारी ढोने में ना करें ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। ट्रैक्टर ट्राली से होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनज़र जनपद बलरामपुर पुलिस ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अपर पुलिस अधीक्षक नर्मदा श्रीवास्तव ने कहा कि शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में ट्रैक्टर ट्रालियों जिनका प्रयोग सवारी ढोने में किया जा रहा है उन्हें चेक किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि ट्रालियों का प्रयोग सवारी ढोने के लिए ना करें। प्रधानों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा ना करें। बलरामपुर में मेला क्षेत्र में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे भी अपील करते हैं कि वो आवागमन के लिए सवारी गाड़ी का प्रयोग करें। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में बलरामपुर पुलिस के द्वारा लगातार ट्रैक्टर ट्रॉलियां जिनका प्रयोग सवारी को ढोने के लिए किया जा रहा है उनको चेक किया जा रहा है तथा साथ ही साथ उनसे अनुरोध भी किया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग लोगों को ढोने के काम में ना लाया जाए, जिससे जो है एक्सीडेंट होने की संभावनाएं होती है। हम लोग ग्राम प्रधान और ग्राम प्रहरी के माध्यम से भी ग्रामीण जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो सवारी वाहनों का ही प्रयोग करें आवागमन के लिए। बलरामपुर में मेला क्षेत्र में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे भी हम लोग अपील करते हैं कि वे सवारी गाड़ियों का ही प्रयोग करें और ट्रैक्टर ट्रॉलियों का प्रयोग मेला दर्शन के लिए ना करें। इसके साथ ही साथ हम सभी जनता से ये भी अपील करते हैं कि वे अपने वाहनों के जो वाहन के नियम है उसका पालन करें, गलत दिशाओं में वाहन ना चलाएं, जो निर्धारित दिशा है उसी दिशा में वाहन को चलाएं, जिससे कि बहुमूल्य जीवन जो है बचता है और एक्सीडेंट भी कम होते हैं। ऐसे लोग जो गलत दिशा में वाहन चलाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी।